बच्चों का जो मेनली मसला होता है ना वो ये होता है कि एग्जैक्टली सबसे पहले यूनिवर्सिटी मैटर करती है मेरे हिसाब से, यूनिवर्सिटी बड़ा मैटर करती है। बचपन के चारों ड्रीम था कि मैं आर्मी में जाऊंगा, लेकिन अल्लाह ताला के प्लान्स, अल्लाह ताला दोनों के प्लान्स बिल्कुल, तो आर्मी में अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, फॉर्चुनेटली बल्कि अभी भी निकल गया। तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है, दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। आई आपका भाई रेगुलर हो रहा है, हो सकता है, हु नोज। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, आज का प्लान ये है कि मैं जा रहा हूँ अपने कुछ व्यूअर्स से, फैंस से बेसिकली जो अमेरिका में मुझे देखते थे, एक लड़के का नाम मोहसिन है, दूसरे दो जो हैं वो आ रहे हैं मिलने, तो मुझे उनका नहीं पता। तो मोहसिन ने इजहार किया था कि यार मेरे से जरूर मिलो, मैं डैलस आ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, टाइम निकलता नहीं है कभी कभी, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, अगर कोई एरिया में और वो कह रहा है मिलने को तो यार उससे मिलना तो पड़ेगा, गलत बात है। तो अभी हम जा रहे हैं कवाली। कवाली मैं आपको एक दफा पहले भी लेके गया हूँ पूरा, मैंने बल्कि वहाँ पे व्लॉग कवर किया था, फूड व्लॉग ना, तो वो आप जाके चेक करो, बड़ा सेक्सी व्लॉग है। लेकिन बहुत अरसे बाद उधर मैं जा रहा हूँ, बिकॉज एवर सिंस आई हैव बीन अ फैमिली मैन, मैं इस तरह की जगहों पे तो अब जाता नहीं हूँ जहाँ पे हुक्के हों या जहाँ पे इस तरह का यू नो माहौल वगैरह हो, क्योंकि बस यार एक तो टाइम नहीं मिलता, दूसरा मैं बहुत दूर भी मूव हो गया था, ये आप समझ ले कि मैं कोई 3-4 महीने बाद जा रहा हूँ वहाँ पे। जब आप फैमिली मैन बन जाते हो, आपका बच्चा हो जाता है ना, तो फिर आपकी जो ध्यान और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती है। अभी का प्लान तो ये है, रास्ता है हमारा 17 मिनट का, सोच रहा हूँ उसमें कोई तुम लोगों को मोटिवेशन दे दूं। बड़े अरसे से कोई ज्ञान नहीं बांटा तुम लोगों, एज ए बिग ब्रदर मुझे एक बच्चे ने पूछा था कि यार मूसा भाई क्या करूं, डे टू डे लाइफ में मोटिवेशन नहीं है, मैं सारे कंटेंट क्रिएटर्स को देखता हूँ, कोई कहता तुम्हें इस तरह का होना चाहिए, कोई कहता कि तुम्हें हर वक्त कामयाबी की तरफ हसल 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 करनी चाहिए, ये करना चाहिए वो। देखो पता बात क्या है, हर कंटेंट क्रिएटर जो तुम्हें कह रहा होता है ना कि हसल करो, ये करो, वो करो, उनका जो वो वाला पीरियड होता है ना जिसमें वो तुम्हें बात कर रहे होते हैं, उसमें ना उनका माइंडसेट ही उस तरफ शिफ्ट हुआ होता है, उनके अंदर ना वो एक मोटिवेशन एरा चल रहा होता है, जैसे मेरा डेली व्लॉगिंग के टाइम पे चल रहा था। लेकिन सबकी लाइफ में डाउन टाइम आता है कहीं ना कहीं पे, जहाँ पे ना कह लो जैसे कंटेंट क्रिएटर के लिए राइटर्स ब्लॉक आ जाता है, राइटर ब्लॉक होता है जहाँ पे आपके पास कोई दिमाग में चीज नहीं आती बात करने को कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो यू नो ये काइंड ऑफ टेक इट ईजी। जिम वाले होते हैं वो जिम बहुत देर तक जाते हैं, देन दे टेक अ लॉन्ग ब्रेक, की मोटिवेशन कम हो जाती है। देखो आप डिसिप्लिन अपने अंदर बरकरार रख सकते हो, बट लेकिन ह्यूमनली इम्पॉसिबल है ये सबके लिए करना, टू स्टे कंसिस्टेंट थ्रू आउट। देखो क्योंकि लाइफ में कोई ना कोई फैक्टर्स हो जाते हैं, कोई फैमिली मेंबर में कोई चला जाता है, हेल्थ इश्यूज हो जाती हैं, मनी प्रॉब्लम्स हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो हालात तो चेंज होते रहते हैं। इसलिए जब आपका कोई अगर डाउन टाइम चल रहा है, आपको लग रहा है आप मोटिवेटेड नहीं हो, प्रोडक्टिव नहीं हो, तो डोंट वरी अबाउट इट, सबकी जिंदगी में वो डाउन टाइम आता है। बट इसको लेके इस तरह बैठना जाना कि यार बस अब आ गया तो आ गया, दिमाग में ये रखो कि आई हैव टू गेट बैक इन द गेम, यू हैव टू कीप ऑन रिमाइंडिंग योरसेल्फ दैट, और तुम रिकवर कर जाओगे इवेंचुअली जो भी तुम लेजीनेस से गुजर रहे हो। बहुत सा टाइम हो गया था कि मैंने आपको इस तरह की कोई बात नहीं की अपने व्लॉग के अंदर। तो खैर एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर ऑलमोस्ट देयर इंशाल्लाह, फिर उधर पहुंचते हैं आपको लड़कों से मिलाते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये है कि हम पहुंच गए हैं कवाली पे फाइनली, और अब मुझे पता नहीं है वो किस तरह के देखते हैं लड़के, तो मैं अंदर जाता हूं पहले उनसे मिलता हूं, फिर जरा आपको दिखाते हैं कि कहां से लड़के आए हैं और क्या उनकी स्टोरी, जरा चलते हैं अंदर। अभी मैं कवाली काफी देर से आया हूं, अभी आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं अपने बॉयज के साथ। तो ये है मोहसिन, मोहसिन के बाद है हमारे पास तलहा, तलहा एंड देन वी हैव मोहम्मद ओवर देयर, तो तलहा एंड दिस इज मोहम्मद, और ये तीनों बच्चे हैं जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के, ये भी मेरी तरह पाकिस्तान से अमेरिका आए F1 वीजे पे, बड़ी स्ट्रगल की बड़ी मेहनतों से, बड़े पापड़ खुशों से गुजर के तुम लोग आए थे। इन लोगों की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, यू ऑल थ्री वेंट टू आर्मी स्कूल, ये सर तुम दोनों, यू हाँ, और आप मिले थे इनसे यहाँ पे। मैकेट्रॉनिक्स मैकेट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का मिक्सर है। अच्छा नाइस। इससे थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस हुआ रोबोटिक्स का। मैंने ही ऐसी कोल्ड ईमेल करी थी ऐसे कोविड के दौरान, किधर यही प्रोफेसर को ईमेल करी थी, मैं रिसर्च करनी है स्कॉलरशिप, तो उस लिहाज से मुझे स्कॉलरशिप मिली, चार जगह की मिली थी, एक साउथ कोरिया, जापान, टर्की और यूएस है यार, साउथ कोरिया की हालांकि जापान एंड साउथ कोरिया इज आल्सो एंटाइसिंग टू गो। हां जी, तो साउथ कोरिया की अच्छी यूनिवर्सिटी थी, मतलब उसके कहते हैं कि एशिया की MIT है। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज का देखा जाए लैंग्वेज बैरियर यहां पे नहीं है, तो फिर यहां पर आ गया मैं। मैंने यहां पे मास्टर्स किया, फिर स्कॉलर इंटर्नशिप करी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जॉब कर रहा हूं मैं रोबोटिक्स इंजीनियर। कोई थोड़ा सा तरीका बच्चों को बताओगे कि किस तरह तुमने कोल्ड अप्रोचेस की? लाइक इस वक्त तो चैट जीपीटी भी नहीं था, अब तो चैट जीपीटी भी आ गया है। हाँ। तो मैंने वही ईमेल्स देखी, पहले यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट किया कि आ चलो ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करते हैं। अच्छा, तो मैंने देखा टॉप 10 यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, तो फिर वहाँ पे लिखा रोबोटिक्स और यूनिवर्सिटी का नाम, एज ऑटोमेटिकली मुझे उनका पेज दिख जाता है लैब्स का, फिर वहाँ पे प्रोफेसर दिख जाते हैं, तो उन प्रोफेसर को मैंने ईमेल करी कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने ये काम किया है, थोड़ा बहुत टेलर करी और फिर भेज दी ईमेल। तो एटलीस्ट मैंने 100 भेजी तो 100 में से 10 का जवाब आता है, और 10 में से कोई ये कहता है कि बस अभी फंड नहीं है, हम अभी कर नहीं सकते, फिर 10 में से दो बोलता है कि हाँ जाओ कि हम इंटरव्यू लेते हैं। देखिए ये तरीका होता है, नाइस यार, नाइस। तो ये बहुत
मैंने ये किया था मार्च 2020 में, और जब मैं सब फिक्स हुआ था 2021 में हुआ मेरा, तकरीबन डेढ़ साल का पूरा ये टेन्योर था सारा। हाँ, और उसमें फिर यहाँ पर आके भी टाइम लगा वीजा लगने का, क्योंकि जब मैंने वीजा दिया था मेरा चला गया था एपी पे। फिर एपी क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगता है कि फर्स्ट टाइम कर रहे थे। फर्स्ट टाइम ये नहीं, रिसर्च के ऊपर भी होता है, जैसे हमारी जितनी भी एआई फील्ड होती है ना, तो चेक करते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं। अच्छा, तो मुझे अपना पूरा पिछला बैकग्राउंड देना पड़ा फैमिली के साथ, कि 20 साल कहाँ रहे, क्या किया, तो फिर जाके वो फिर 20 साल कहाँ रहे, पाकिस्तान में रहे, किधर किधर, अच्छा किधर किधर, कितने भाई बहन सबका एनआईसी, और भाई बहन क्या करते हैं, अम्मी अबू क्या करते हैं, वो सब दिया मैंने। तो क्योंकि मेरा जो इंटेक था वो था जुलाई में, आई मीन अगस्त में था, लेकिन उस वजह से मेरा लेट हो गया। अच्छा, तो मुझे अक्टूबर में वीजा मिला। शेट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो प्रोफेसर था बहुत अच्छा था, अंडरस्टैंडिंग था, उसको सारा बताया, उसने बोला आज जनवरी में आ जाना, तो फिर मैं जनवरी में आया, और ऑलमोस्ट मैंने डेढ़ साल में मास्टर्स कंप्लीट कर लिया था। माशाल्लाह, नाइस। और अब सब स्मूथ सेलिंग चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। दैट्स गुड। बीच में थोड़े इश्यूज आए थे जॉब, यहाँ पे बहुत मार्केट मुश्किल है, लेकिन लिंक्डइन बहुत अच्छा है, लिंक्डइन से मैंने ईमेल्स करी लोगों को, मतलब मैसेज भेजा, ईमेल लिया। और मोहम्मद, तुम्हारा क्या स्टोरी थी? मोहम्मद और मोहसिन की सिमिलर स्टोरी है थोड़ी सी, दोनों बड़े पुराने दोस्त हैं, हम पटारो से साथ ही थे। अभी थोड़ा सा कराची वालों को पता होगा क्या ये पटारो, थोड़ा सा बताओ। क्रेडिट कॉलेज है, सिडनी है, जमशोरा के पास। अच्छा, साथ में हम साथ ही थे, उसके बाद फिर ये आया आर्मी का सीनियर है क्या, मेरा बचपन का चालू ड्रीम था कि मैं आर्मी में जाऊंगा, लेकिन अल्लाह ताला के प्लान्स, अल्लाह ताला दोनों के प्लान्स बिल्कुल, तो आर्मी में अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, फॉर्चुनेटली बल्कि अभी अमेरिका अमेरिका आ गया यार, अमेरिका आ गया। तो बस ये है कि आप जदोजहद करो करो, अल्लाह ताला आपके रास्ते बनाएगा। मैंने भी 100 सालों में नहीं सोचा था कि मैं अमेरिका में बैठाऊंगा, इतनी अलग दुनिया है, लेकिन बस लाइक। और अभी ख्याल से फॉल 2025 के लिए करना है, तो अभी बेस्ट टाइम, अभी से करना शुरू करो, और तुम क्या टिप्स दोगे कि यार उसमें कि क्या प्रोसीजर, जैसे तुम आर्मी स्कूल में गए थे राइट, वहाँ से क्या प्रोसीजर था तुम लोगों का आर्मी का, या क्योंकि तुमने एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और उसी में हुआ तुम्हारा? हाँ, मेरा पता नहीं लगता, अल्लाह ताला की रहमत थी क्या थी कि मेरे एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और उसी में होते, लेकिन सॉरी ये मैं माइक लगा लूं क्योंकि ना हाँ नहीं नहीं कॉपीराइट नहीं, वैसे ही पीछे से ना, तो इसको पकड़ के अपने पहले के ग्रेड्स, अगर आप ओएन एलेवल्स कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपके एज ए स्टार्स हो, 20 भी हो तो मसला नहीं हो जाएगा, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए। फिर आते हैं एसईटीज पे, एसईटीज आप तैयारी करें, स्कोर आपका 1300 है, 1400 इज नॉट बैड, इज स्टिल गुड, ठीक है। अभी अच्छा टाइम क्यों है कि इनसे पहले मैं कौन सा वो टाइम पीरियड कौन सा होता है जिसमें स्कॉलरशिप ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, डिसीजन और अर्ली एक्शन होता है, तो उसका ये सीन होता है कि मेरा तो ये था कि जैसे ही मैंने पिटारो से ओ लेवल्स कंप्लीट किया, देन आई गोट फॉर एलेवल स्कूल्स, तो वहाँ पे ये था कि वहाँ पे आप जब एलेवल स्कूल्स में जाते हो तो वहाँ पे उनके प्रॉपर काउंसलर्स वगैरह होते हैं, तो आपको काफी गाइड करते हैं, एडमिशन का एक पूरा साइकिल होता है। जैसे अभी फॉल 2025 है तो उसके लिए अभी एडमिशन्स खुल गए, तो ये होता है कि 15 जनवरी जो होती है ना वो एक रेगुलर डिसीजंस के लिए एक डेडलाइन होती है कि आप हर बंदा अप्लाई कर सकता है 15 जनवरी तक। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि एक प्लस पॉइंट ये देते हैं कि इनके पास 2-3 और ऑप्शन होते हैं, जैसे 15 अक्टूबर हो गया वो होता है अर्ली डिसीजन का, उसमें ये करते हो कि आप जब कॉमन ऐप के थ्रू अप्लाई करते हैं, कॉमन ऐप के थ्रू जब आप अप्लाई करते हो ना तो आपके पास 20 चॉइसेस होती हैं कि आप 20 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। जैसे मैंने भी अराउंड 19 में अप्लाई किया था, तो उसमें ये हुआ था कि मेरे अराउंड 14 में एडमिशन्स हो गए थे और काफ़ी अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप भी मुझे मिले थे। तो जॉर्जिया स्टेट में मैं आया, मैंने वीज़ा इंटरव्यू दिया एंड वो सारा स्मूथली गया। तो वीज़ा का भी ये है कि अभी बच्चों का जो मेनली मसला होता है ना वो ये होता है कि एग्जैक्टली सबसे पहले यूनिवर्सिटी मैटर करती है, मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी बड़ा मैटर करती है, कि आपका ये नहीं है कि आपने किसी कम्युनिटी कॉलेज या आपके पाकिस्तान में जो कंसल्टेंट बैठे हुए हैं उनकी पार्टनर यूनिवर्सिटीज होती है ना। तो मैंने भी एक कंसल्टेंट का काम किया है थोड़ा बहुत, तो ये होता है उनकी जो पार्टनर होती है उनको फिर ना फीस में से कुछ चंक उनको मिलता है कि आप बच्चों यहाँ भेजो। तो आप यूनिवर्सिटीज डिसाइड करो अपने, फिर आपने किस यूनिवर्सिटी के थ्रू वीजा अप्लाई करना है, उसका एक्सेप्टेंस रेट क्या है, ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। फिर आपका जो DS-160 आप फिल करते हो ना तो उनको आपकी हर नॉलेज हर चीज का पता होता है। मैंने DS-160 हर चीज क्लियर रखा, मेरे बाबा क्या करते हैं, क्या होता है, क्या कैसे फाइनेंस पूरा करेंगे, वो आप क्लियर रखो एंड बड़ा अच्छे लोग जाओ और वीजा इंटरव्यू आप पढ़ने आ रहे हो, कुछ कोई और काम नहीं करने आ रहे, दे जस्ट वांट टू नो कि यार इसका मकसद क्या है, जितना पूछते हैं उतना जवाब दो, सिंपल आप exactly, पता ही हर चीज पता है आप, मेरे साथ डिसाइडेड होता है। मैं इंटरव्यू दे रहा था कि वाज लाइक इनके मुझे 2 मिनट के लिए उसने बोला कि 2 मिनट को मेरा पासपोर्ट लेके पीछे चला गया, ही वाज लाइक शुड आई गिव यू द वीजा, रियली मैंने बोला कि आई मीन यार, तो बोलता है कि हम लेना है मैं हां भाई, देन ही के मतलब क्योंकि आई विल गिव यू द वीजा, और उसने मतलब कि ना सारा अच्छा प्रोसेस हुआ, मैंने बाबा को बताया सारे कुछ। अमेरिका जब बहुत बच्चे आते हैं तो वो कहते हैं फाइनेंसिस वगैरह के इशू होते हैं, यहाँ पे नहीं होते, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई गेटवे होता है बच्चों के लिए, बड़े ऑप्शंस होते हैं आपके,
पास। देखिए यहाँ पे ये होता है कि जब यहाँ पे आते हो तो हर स्कूल का ना एक दूसरा कैंपस होता है। आपको मैं कम्युनिटी कॉलेज का नहीं बोलूंगा कि आप कम्युनिटी कॉलेज जाओ, आप फाइनेंशियल दिखाओ, अगर आप उधर नहीं कर सकते ना इधर आके, आपकी इतनी फीस है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, पहले दिन ही ना अपने डीएसओ से जाके मिले, इंटरनेशनल आईएसएस का जो ऑफिस होता है आपके हर कॉलेज में होता है, उधर से जाके मिले, आप उनको अपना पूरा सिनेरियो बताएं कि यार मेरा ये मसला है जिसकी वजह से मैं फाइनेंसिस पूरा नहीं कर, मेरे पास क्या ऑप्शन है, तो आइदर दे पुट यू इन स्कॉलरशिप समथिंग लाइक दैट, या उनको आपको ये चॉइस देते हैं कि आप ना इस कैंपस से हटके आप इस कैंपस हमारे चले जाएं, उसकी जो फीस होती है ना वो काफी कम होती है। जॉर्जिया स्टेट का एक दूसरा कॉलेज होता है पैरामीटर कॉलेज, तो आप जॉर्जिया स्टेट आओ, आपका वीजा वगैरह हर चीज जॉर्जिया स्टेट की लगेगी, देन आप उस कैंपस में डिकेटर कैंपस में आप उसका वो ले लो, ट्रांसफर ले लो, 4,000-4,500 में आपका काम अच्छा हो जाता है, एंड देन आप 2 साल वहाँ पर एसोसिएट डिग्री करो, लाइक 3.5 या 3 GPA होनी चाहिए, देन यू कैन गेट ट्रांसफर एंड यू कैन एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। तो आपको प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू किसी और बच्चे के। काफी बच्चों को इन गेटवेज और इन दिस डिफरेंट चीजों का नहीं पता होता, यू नो वो मतलब जब यहाँ पे आते हैं वो कहते हैं कि यार यहाँ पे आएंगे पैसे किस तरह कवर करेंगे, आपका काम है बस यहाँ पे एक दफा पहुंच जाना, बाकी सारा ना आप फिर बंदा ना खुद ही हाथ पांव मार के इधर उधर करके देख लेता है, राइट। अच्छे फ्रेंड्स भी होने चाहिए आपको मुश्किल में साथ दें, मिल जाते हैं उन्हें, मिल जाते हैं अगर आप रीच आउट करो उनसे कि फेसबुक हो गया या कुछ, काफी पहली कोशिश तो ये करो कि जहाँ के यहाँ पे आपके ऑलरेडी दोस्त हैं ना उस जगह को प्रेफर करो। लोग ये बोलते हैं यार ये अच्छी इंडस्ट्री मैटर करती है, लेकिन अगर तो आपके उधर एक दो दोस्त हैं या तो आप PSA उनकी जो स्टूडेंट एसोसिएशन होती है उनसे किसी से आप कॉन्टेक्ट करें इंस्टाग्राम के थ्रू, एंड देन दे विल गाइड यू, और बाकी जो आप इधर जब आते हैं तो आपका ऑन कैंपस का जो ऑन कैंपस जॉब का वो काफी अच्छा सीन होता है। ये होता है कि आपका पूरे फीस अगर आपकी कवर है, घर से घर वाले कवर कर रहे हैं, तो आपके जो लाइक आप अगर कर रहे हो 20 hours a week तो आपके ना खाना पीना और रिहाइश ये सारी चीजें हो जाती हैं, रह रहे हो दोस्तों के साथ तो इजीली कवर हो सकती है, हो सकती हैं। परफेक्ट, थैंक यू गाइस फॉर दिस अमेजिंग नॉलेज, और बड़ी हमारी मजे की बातें हुई यहाँ पे, बहुत सी हमने अपॉर्चुनिटीज की यहाँ पे बातें की, अमेरिकन लाइफस्टाइल के बारे में, पाकिस्तानी लाइफस्टाइल के बारे में, बड़ा शक्ल वगैरह भी लगाया मैंने, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी इन्हें बताए जो कि मैं ओनली एक्सक्लूसिव मीटअप से बताता हूँ। काफी देर से लोग मुझे देख रहे थे, तो यू नो उसमें ये होता है कि यू काइंड ऑफ लर्न द एक्सपीरियंस वगैरह, और फिर आप खुद आते हो तो एक्सपीरियंस करते हो, वो एक अलग चीज होती है। चला मैं सोचता हूँ कभी डैलस वगैरह में मीटअप रखूँ, मुझे यहाँ पे बहुत जानते हैं लोग, वो कहते हैं रखो अटलांटा भी है, डैलस में भी रखे हैं आप, अटलांटा में भी आएंगे, ये अटलांटा से है बेसिकली तीनों ना, तो देसी कम्युनिटी काफी अच्छी है वहाँ पे अटलांटा में, आएंगे देसी कम्युनिटी में तुम्हारे जरूर, एक फील आएंगे नेक्स्ट इवेंट में, जी नेक्स्ट इवेंट को अच्छा सा बड़ा सा करो, हम वहाँ पे चक्कर लगाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है फिर बॉयज, मिलते हैं फिर, मैं तो आपसे गाड़ी में मिलता हूँ एक सेकंड। तो एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, इस मुख्तसर से व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं, ये व्लॉग बस मैंने आपको बेसिकली दिखाना था, ये जो बच्चे यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स वगैरह, इनका किस तरह है क्या हुआ, थोड़ी सी हमने बातें भी कर ली, यू नो थोड़ा सा एंजॉय भी कर लिया, अब आपसे अगले व्लॉग में मिलेंगे, कहीं घूमने फिरने मोस्ट लाइकली जाएंगे, जहाँ जिंदगी की राउट ले जाए वहाँ आपको साथ ले जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, और ज़ेनमार्टो की अगर आपने मर्च खरीदनी है, एनएमए शर्ट्स एंड व्हाट नॉट, तो उसका लिंक नीचे ही लगा हुआ है, अगर आप पाकिस्तान से तो पाकिस्तान वाली ऑप्शन चूज करनी है आपने जाके ना, इट हैज डिस्काउंटेड रेट्स, एंड न्यू मर्च इज कमिंग वेरी सून एक्चुअली, हुडीज एंड ओवरसाइज शर्ट्स, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह।